हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और कंपनी लॉ के आज भी इस लेक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एक है सेक्शन नंबर 185 जो है लोन टू डायरेक्टर और एक है सेक्शन नंबर 197 जो है रेमुनरेशन टू डायरेक्टर क्या कोई कंपनी लोन दे सकती है डायरेक्टर को उस बारे में है हमारा सेक्शन नंबर वन तो पहले इसको कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन एटी फाइव ऑफ द एक्ट अ कंपनी मे नॉट मे नॉट सीधा आ गया मे नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट नहीं दे सकती क्या नहीं दे सकती मे कैन एडवांस लोन किसी भी डायरेक्टर को कंपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोन नहीं दे सकती एडवांस नहीं दे सकती मेक एन एडवांस लोन दैट इज एक्सप्रेड बाय अ बुक डेप भले वो उसको डेप्ट के रूप में दिखा दे बट फिर भी वो उस लोन को दे नहीं सकती उस डायरेक्टर को कोई भी कंपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गिव अ गारंटी और सिक्योरिटी गारंटी और सिक्योरिटी भी नहीं दे सकती अगर वो बोरो कर रहा है मनी कहीं और से तो कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई एडवांस लोन नहीं दे सकती और अगर वो डायरेक्टर कहीं और से लोन ले रहा है तो उसके लिए वो सिक्योरिटी या गारंटी भी कोई कंपनी नहीं दे सकती ओके okay. अब यहां पर देखिए किस किस को ये लोन या डायरेक्टर डायरेक्टर को लोन नहीं दिया जा सकता क्या बोलता है ये सेक्शन तो टू इट्स डायरेक्टर अपने डायरेक्टर को लोन गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकती टू इट्स होल्डिंग कंपनीज डायरेक्टर जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी हो गई हमारी उसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसका जो डायरेक्टर है उसको भी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते टू डायरेक्टर्स रिलेटिव जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है उसके जितने भी रिलेटिव्स है उसको लोन एडवांस सिक्योरिटी गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती टू द बिजनेस पार्टनर जो डायरेक्टर है उसका कोई एक पार्टनर है जो हमारा डायरेक्टर है हमारी कंपनी का उसका कोई एक बिजनेस पार्टनर है उस बिजनेस पार्टनर को भी कोई भी कंपनी लोन गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दे सकती टू पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनरशिप फर्म को कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती जिस पार्टनरशिप फर्म में हमारी कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है ओके बट है इसके कुछ एक्सेप्शन कुछ अपवाद जहां यह बोला जाता है कि लोन दिया जा सकता है कंपनी के द्वारा तो आइए कौन से हैं फर्स्ट है सेक्शन एक्सेप्शन दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट है कंपनीज दैट प्रोवाइड बिजनेस लोन एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही लोन देना बिजनेस लोन देती है ठीक है कोई एनबीएफसी हो गई या बैंकिंग कंपनी हो गई ठीक है तो कंपनी ऑफरिंग लोन गारंटी एंड सिक्योरिटीज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ये वाला पॉइंट है फर्स्ट वाला नहीं है ठीक है रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बैंकिंग कंपनीज जो होती है उसका काम ही है लोन देना अब कोई बैंक है वो तो अपने डायरेक्टर को लोन देगी ना पूरी दुनिया को लोन बांट रही है उसका रेगुलर बिजनेस है तो वो लोन दे सकती है बट ऐसी फाइनेंस कंपनी लोन दे सकती है अपने डायरेक्टर को बट उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगी ना वो वही होगी जो आरबीआई डिसाइड करेगा ओके okay जी और फर्स्ट क्या है एक company, दे सकती है अपने एमडी को, को और फुल टाइम डायरेक्टर को MD को एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इन दोनों को बिजनेस लोन दे सकती है अगर उन्हें जरूरत हो तो फॉलोइंग केसेस ओनली इन दो सिचुएशन में दे सकती है तो कोई कंपनी चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो नॉन फाइनेंस कंपनी हो कोई भी कंपनी हो वो अपने होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को बिजनेस लोन दे सकती है दो कंडीशन में पहली कंडीशन कौन सी है सर्विस यानी कि जो सैलरी वाला लोन होता है ना जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला लोन तो वो सर्विस लोन दे सकती है और इन अकॉर्डेंस विद द प्लान अप्रूव बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और इसके अलावा अगर एसआर पास हो जाए एजीएम के अंदर मेंबर सारे जो है आ जाए एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर या ईजीएम के अंदर और वहां पर स्पेशल रिजोलेशन पास कर दे 75 प्लस परसेंटेज लोग बोलते हैं इसको लोन दे दो मेंबर बोलते हैं तो फिर लोन दे दिया जाएगा और फर्स्ट क्या था जो उसकी सैलरी है उसके बेस पर लोन दिया जा सकता है लेकिन सेकेंड जो सिचुएशन है वो ये है कि जो फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी हो गया बैंकिंग कंपनी हो गई वो अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है लेकिन इंटरेस्ट रेट वो होगी जो आर डिसाइड करेगा ओके ठीक इन दो एक्सेप्शन के अलावा और किसी को भी लोन नहीं दिया जा सकता डायरेक्टर को ठीक कोई भी कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती ओके अब आ जाते हैं हम डायरेक्टर के रेमोनेशन पर क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज्यादा सेक्शन नंबर 197 और शेड्यूल नंबर उसमें फिफ्थ लगता है आपको याद है ना शेड्यूल दे रखे को टोटल जो शेड्यूल है सॉरी वो सेवन शेड्यूल है कंपनीज एक्ट like 2013 के अंदर सेवन शेड्यूल दे रखा है जिसमें शेड्यूल नंबर थर्ड तो आपको याद ही होगा जिसमें बैलेंस शीट और पी का फॉर्मेट दे रखा है तो ऐसे शेड्यूल नंबर एक फिफ्थ दे रखा है तो वो शेड्यूल नंबर फिफ्थ और हमारा सेक्शन नंबर 197 ये दोनों बात करते हैं रेमुनरेशन टू डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को रेमुनरेशन कितना देना है तो मैं यहां जो रेमुनरेशन टू डायरेक्टर बता रहा हूं ये में बता रहा हूं तो कोई भी पब्लिक कंपनी जब रेमुनेशन देगी अपने डायरेक्टर को तो उसे सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि उसे कैसा प्रॉफिट है इन केस ऑफ एडुकेट प्रॉफिट इस साल बढ़िया प्रॉफिट हुआ है पर्याप्त लाभ हुआ है एडुकेट मतलब इतना प्रॉफिट कि आराम से वो रेमुनेशन दे सकती है इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी को इस साल अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना प्रॉफिट है ही नहीं कि वो जो है रेमुनेशन दे सके अगर कंपनी को एडुकेट प्रॉफिट हुआ है तो वहां हमको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर सेवन अगर कंपनी को एडुकेट प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है फुल प्रॉफिट हुआ है पर्याप्त प्रॉफिट हुआ है तो फिर वहां सेक्शन नंबर 197 के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी रेमुनेशन की वो अप्लाई हो जाएगी और हम उस हिसाब से जो है प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उस बेसिस पर हम उनको रेमुनेशन देंगे अभी मैं डिटेल में कराऊंगा बट अगर इन एडुकेट प्रॉफिट हुआ है तो सर प्रॉफिट ज्यादा अच्छा हुआ ही नहीं है तो फिर सेक्शन 197 इधर अप्लाई नहीं होगा तो फिर अप्लाई हो जाएगा शेड्यूल नंबर फिफ्थ वहां पर मैक्सिमम लिमिट दे रखी है रेमोनेशन की और वो जो दे रखी है वो इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर दे रखी है मैं आगे, आगे आपको डिटेल में बताऊंगा तो सिंपल फंडा है सेक्शन नंबर 197 कब लगेगा जब एडुकेट प्रॉफिट हुआ हो किसी कंपनी को और शेड्यूल फिफ्थ कब लगेगा जब इन एडुकेट प्रॉफिट हुआ हो ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी अगर मैक्सिमम रिटर्न इन केस ऑफ इनकेट प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हो गया अच्छा प्रॉफिट हो गया तो सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा यहां पर 197 और 197 सेक्शन के अंदर देखो क्या है 197 सेक्शन के अंदर आप रेमोनेशन दे सकते हो कितना तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में कौन से डायरेक्टर है दो तरह के डायरेक्टर होते हैं एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको शॉर्ट में मैं ईडी बोलूंगा एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको शॉर्ट में मैं एनईडी बोलूंगा तो दो तरह के डायरेक्टर होते हैं ईडी और एनईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आपकी कंपनी में ईडी डायरेक्टर हैं तो उनको कितना रेमोनेशन देना है एज पर सेक्शन नंबर वन नाइनटी सेवन जो कि एडुकेट प्रॉफिट के केस पे लगता है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कितने ईडी हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं केवल एक ईडी है ओनली वन ईडी एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बाकी सारे एनईडी हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ईडी कितना है एक है हाँ, तो उसको पांच परसेंट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का पांच परसेंट उसको रेमुनेशन दे दिया जाएगा मान लेते हैं सौ करोड़ प्रॉफिट हुआ है तो उसका पांच परसेंट कितना होगा देख लो ओके तो सौ करोड़ का दस परसेंट हो गया लगभग दस लाख और दस करोड़ पांच तो परसेंट हो गया लगभग पांच करोड़ तो पांच करोड़ उसको दे देंगे ओके ठीक इफ कंपनी हैज मोर देन वन ईडी लेकिन कंपनी में एक नहीं एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो सबको मिलाकर के दस परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट सौ करोड़ है प्रॉफिट उसका 10 परसेंट हो गया 10 करोड़ तो सभी एन जो ईडी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चाहे दो है चार है पांच है उन सबको मिलाकर के वो 10 करोड़ रुपए ही मिलेंगे उतना ही रेमुनेशन दे सकते हो मैक्सिमम लिमिट है उससे कम देते हो तो कंपनी की मर्जी ओके okay, जी मैक्सिमम लिमिट तो सिंपल था अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेमुनेशन देना है एज पर सेक्शन नंबर वन नाइनटी सेवन जिसमें प्रॉफिट होता है तो आपको देखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं एक है तो पांच परसेंट प्रॉफिट का और अगर एक से ज्यादा है तो सबको मिलाकर के दस परसेंट प्रॉफिट का एक से ज्यादा क्या ईडी ओके okay. यहां तो हो गया ईडी की बात अब सर एनईडी को रेमोनेशन कितना देना है तो अब रेमोनेशन तो एनईडी को देना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लेकिन हमको देखना यह पड़ेगा कि कंपनी में ईडी कितने हैं अगर कंपनी में ईडी है ही नहीं नो ईडी नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर कंपनी में ईडी नहीं है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तीन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट का जितना रेमुनेशन दिया जा सकता है मैक्सिमम लिमिट यानी कि सौ करोड़ है तो उसका तीन परसेंट हो गया तीन करोड़ तो तीन करोड़ दे सकते हो आप अगर कंपनी में ईडी नहीं हो तो तो किसको देना है एनईडी को कितना तीन लेकिन अगर कंपनी में ईडी है तो एक हो या एक से ज्यादा हो एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो तो परसेंट तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिल जाएगा एनईडी को कितना मिलेगा 1% to all NED. Okay? लेकिन ये कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो चाहे ये ये ले लो ये ले लो ये ले लो एनईडी सब मिला करके सबका ग्यारह से ज्यादा आपका रेमुनेशन नहीं हो सकता नेट प्रॉफिट के ग्यारह से ज्यादा रेमुनेशन नहीं हो सकता चाहे कोई कॉम्बिनेशन आ जाए ओके okay, आपको मुझे लग रहा है कि इस नोट्स की जरूरत पड़ेगी है ना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सी डब्ल्यू जी फॉर बी कॉम जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है दस हजार तक मेंबर है उसके अंदर सब्सक्राइबर है आप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको मैं पी भेज दूंगा आज ही भेज दूंगा इसका ओके okay? जी आगे आता है हमारा ये तो हो गया सर अगर एडुकेट प्रॉफिट हो वन सेक्शन अगर इन प्रॉफिट होता है तो शेड्यूल नंबर पांच लगता है और शेड्यूल नंबर पांच हमें बोलता है इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर जो मैक्सिमम रेमोनेशन डिसाइड किया जाता है किनका डायरेक्टर्स का तो इफेक्टिव कैपिटल कितनी अगर इफेक्टिव कैपिटल है नेगेटिव क्योंकि प्रॉफिट तो इन एडुकेट है तो इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या फिर पांच करोड़ है पाँच करोड़ से कम है लेस देन फाइव करोड़ या तो आपकी नेगेटिव है माइनस में है कैपिटल या पांच करोड़ से कम है तो ज्यादा से ज्यादा आप साठ लाख रुपए का रेमोनेशन दे सकते हो सारे डायरेक्टर को मिला के उसमें ED ED सब आ गए हाँ अगर आपकी कंपनी की कैपिटल पांच करोड़ से ज्यादा है पांच करोड़ या उससे ज्यादा है बट सौ करोड़ से कम है या तो पांच करोड़ है या पांच करोड़ से ज्यादा है या सौ करोड़ से कम है तो एटी फोर लैख अगर आपकी कंपनी में जो कैपिटल है इफेक्टिव कैपिटल है वो सौ करोड़ है या सौ करोड़ से ज्यादा है बट ढाई सौ करोड़ से कम है तो एक सौ बीस लाख यानी कि वन करोड़ ट्वेंटी लाख आप प्रॉफिट सॉरी वन करोड़ ट्वेंटी लाख आप रेमोनेशन दे सकते हैं एक सौ बीस लाख रुपए का रेमोनेशन दे सकते हैं अगर आपकी कैपिटल ढाई सौ करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको वन ट्वेंटी यानी कि वन पॉइंट टू करोड़ एक करोड़ बीस लाख तो देने ही है इसके अलावा 250 करोड़ से जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उसका 0.01% परसेंट आपको रेमुनरेशन दे सकते हो यानी कि मान लेते हैं अगर किसी कंपनी में 300 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो अब इसको 300 लाख रुपए की इफेक्टिव कैपिटल है तो अब कितना रेमुनरेशन दे सकते हैं तो 120 लाख तो देना ही है ये वाला क्योंकि 250 से ज्यादा है अब 250 से कितनी ज्यादा है 50 लाख 50 करोड़ तो उस 50 करोड़ का वन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंटेज निकालेंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएगा फिर वो रेमोनेशन टोटल दिया जाएगा आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नोट्स की जरूरत पड़ेगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहां पर फ्री में आपको मिल जाएंगे अगर ये लेक्चर्स से आपको हेल्प मिल रही है अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू